गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो वी विल रीड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू स्टोरी गिवन इन द लेसन मैंगोज राउंड द ईयर, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी स्टोरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम समर ट्रीट ममी दी तंद्रा जैसा कि आप देख रहे हैं ममी दी तंद्रा समर ट्रीट गर्मियों की छुट्टियों में कुछ इन्होंने एक ट्राई किया है ममीदी तंद्रा यहाँ पे बच्चों ममीधी तंद्रा आम पापड़ को बोला गया है तो देखते हैं इन्होंने क्या किया है चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अथ्रेयापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश ये आंध्र प्रदेश स्टेट की एक स्टोरी है अथ्रेयापुरम टाउन की जहाँ पे चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू रहते हैं द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन दोनों भाई जो हैं चिट्टी बाबू और चन्ना बाबू जो समर हॉलीडेज़ हैं वो मैंगो गार्डन में खेलते हुए स्पेंड करते हैं वैन द ट्रीज़ आर फुल ऑफ फ्रूट्स जब पेड़ों पर पे बहुत सारे मैंगोज लगे होते हैं फ्रूट्स लगे होते हैं दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर वो अनराइप यानी रॉ मैंगो को भी सॉल्ट और चिली पाउडर लाल मिर्च का पाउडर लगा के खाना पसंद करते हैं वो खाते हैं उसको बड़े चाव से एट होम देअ मदर कुक अनराइव मैंगोज़ इन डिफरेंट वेज घर पे उनकी जो मदर हैं वो भी अनराइव मैंगोज़ को अलग अलग तरह से पका के उनको खिलाती हैं शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल्स वो अलग अलग तरह के अचार भी बनाती हैं मैंगो से द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अनटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन जो अचार उनकी मदर बनाती हैं वो नेक्स्ट मैंगो सीजन तक भी एग्जिस्ट करते हैं तब तक भी वो चलते हैं खराब नहीं होते हैं वन इवनिंग एक शाम को वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्ट खाना खाते हुए चिन्ना बाबू ने पूछा अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज हमारे पास इतने सारे आम हैं मेक्स अ ममीदी दी तंद्रा फ्रॉम दैम ममी तंद्रा यानी कि आम पापड़ तो कहता है कि हमारे पास इतने सारे मैंगोज़ हैं तो क्यों ना हम उनका आम पापड़ बना लें देर फादर सेंड उनके फादर ने कहा मेकिंग दी तंद्रा नीड्स फोर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क मामी दी तंद्रा बनाने के लिए चार हफ्ते की कड़ी मेहनत चाहिए इफ़ यू बोथ प्रोमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट फोर वीक्स वी कैन टुगेदर मेक द दी तंद्रा अगर अगले चार हफ्ते तक आप लोग हमारी हेल्प करने के लिए प्रॉमिस करते हो तो हम बना लेते हैं मिलके मम्मी दी तंद्रा बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प दोनों भाई जल्दी से तैयार हो गए हेल्प करने के लिए द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद यर फादर अगले ही दिन दोनों बच्चे अपने फादर के साथ मार्केट चले गए अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री पाम ट्री के पत्तों से बुना हुआ एक मैट लेके आए पोल्स ऑफ कैजेन ट्री एक दो पोल्स लेके आए जिन पे वो मैट बांधेंगे स्ट्रिंग मेड ऑफ़ कोकोनट हस्क कोकोनट के जो हस्क होते हैं उनसे बनी हुई एक स्ट्रिंग यानी एक रस्सी लेके आए सम जैगरी एंड शुगर तो ये सारी चीज़ें हो गई जो ममिनी तंद्रा यानी कि आम पापड़ बनाने में ज़रूरत पड़ेंगी दिक्चर स्टूडेंट्स ये दोनों भाई आम तोड़ रहे हैं खेल खेल में खेल रहे हैं गर्मी की छुट्टियों में जैसा कि स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया गया है नेक्स्ट ये मार्केट से जो आ रहे हैं नेक्स्ट पिक्चर में मैट लिया हुआ है पोल्स स्टिक्स ली हुई हैं थर्ड पिक्चर में आप देखेंगे तो वो पल्प निकाल रहे हैं जूस निकाल रहे हैं मैंगो का राइप मैंगोज ज़रूरत पड़ती है इसमें फोर्थ पिक्चर में आप देखेंगे कि उनकी मम्मा जो हैं मैट पे पल्प और जूस मैंगो जूस स्प्रेड कर रही हैं लेयर उसकी स्प्रेड कर रही हैं लास्ट पिक्चर में आप देखेंगे उनका ममेदी तंद्रा यानी आम पापड़ इज रेडी टू ईट वो खा रहे हैं उसको आगे देखते हैं अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड अम्मा ने घर के बैक में एक अच्छा सा सनी प्लेस धूप वाली जगह उन्होंने ढूँढ ली बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स जो पोल्स बुलाए थे उसका उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया दे स्प्रेड आउट एंड टाइट द मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मैट को बिछा दिया और बांध दिया द नेक्स्ट डे अगले दिन क्या हुआ अपा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज जो सबसे ज़्यादा पके हुए मैंगोज थे उनको चूज़ किया गया दे टुक आउट द मैंगोज पल्प इंटू अ लार्ज पॉट एक बड़े बर्तन में मैंगो का पल्प निकाल लिया गया देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ स्ट्रेन मतलब छान लिया उन्होंने उसको पल्प को छान के जूस अलग कर लिया और जो फाइबर होता है यानी रेशा होता है ना आम में उसको उन्होंने अलग से निकाल दिया देन चिट्टी बाबू क्रस्ट द गुड़ यानी जैगरी टिल देर वॉज नो लम्ब्स चिट्टी बाबू ने क्या किया जैगरी को गुड़ को क्रश किया और तब तक क्रश किया जब तक कि उसमें गांठे न रह गए लम्ब्स न रह गए दे एडिड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स उन्होंने शुगर एंड जैगरी को एक जैसे अमाउंट में सेम क्वांटिटी में पल्प में मिक्स कर दिया चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून चिन्ना बाबू ने एक बड़ा सा चम्मच लिया और शुगर और जैगरी को पल्प में मिक्स कर दिया अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट अब अम्मा ने उस पल्प को जिस पल्प में गुड़ और शुगर मिक्स किया गया था उस पल्प को मैट पे स्प्रेड कर दिया बहुत पतली सी एक लेयर बनाई उन्होंने थिन लेयर बनाई द थिंग लेयर वॉज लेफ्ट टू ट्राई इन द सन धूप में सूखने के लिए इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट उन्होंने एक पतले और साफ कपड़े से साड़ी से उसको ढक दिया ताकि उस पर डस्ट ना जाए क्योंकि उन्होंने ओपन प्लेस में उसको बनाया ना तो डस्ट आने के चांसेस थे इसलिए उन्होंने उसको कवर कर दिया द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प They added jaggery and sugar into the pulp, then they spread the pulp over the previous day's layer. अब वही प्रोसेस उन्होंने नेक्स्ट डे भी रिपीट किया और पल्प निकाला पल्प में शुगर जेगरी ऐड किए सेम अमाउंट में और मिक्स किया और पहले दिन जो लेयर उन्होंने बिछाई थी उसके ऊपर एक और लेयर उन्होंने स्प्रेड कर दी दिस वर्क वॉज गिवन टू बोध द ब्रदर्स ये काम दोनों भाइयों को दिया गया

वो लेयर पे लेयर बिछाते गए जब तक कि वो एक चार सेंटीमीटर जितनी मोटी एक गोल्डन केक जैसा नहीं दिखने लगा आफ्टर सम डेज अम्मा सेंट कुछ दिनों के बाद अम्मा ने बोला द ममीदी दि तंद्रा इज रेडी अब ममीदी दी तंद्रा यानी आम पापड़ जो है रेडी है वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इंटू पीसेस टमोारो हम इसको निकाल लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में कल काट लेंगे तो नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से नीचे उतार लिया गया मैट को मम्मी थी तंद्रा बोस कट इन टू स्मॉलर पीसेस छोटे टुकड़ों में उसको काट लिया गया द ब्रदर्स टेस्टेड इट दोनों भाइयों ने उसको टेस्ट किया इट वॉज टेस्टी वो सच में टेस्टी था स्वादिष्ट था चिन्ना बाबू से वाओ हाउ टेस्टी चिन्ना बाबू ने बोला कितना अच्छा स्वाद है आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट फाइनली हम लोगों ने भी इसको बनाने में मदद की नेक्स्ट वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इन टू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इट इन द सन शुगर और जैगरी को क्यों मिलाया गया मैंगो पल्प में और उसको धूप में सुखाया क्यों गया एक तो शुगर और जैगरी टेस्ट के लिए मिलाए गए टेस्ट चाहिए अगर सिर्फ मैंगो पल्प करेंगे तो वो उसका टेस्ट उतना नहीं आता मिठास नहीं आ पाती खट्टापन आता नेक्स्ट शुगर एंड जेगरी ऑल्सो एज प्रजर्वेटिवस शुगर और जेगरी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एडिंग शुगर को एक प्रजर्वेशन मैथड बताया था तो एडिंग शुगर इज ऑल्सो अ प्रजर्वेशन मैथड तो प्रिजर्व भी करता है और धूप में क्यों डाला गया ड्राइंग इज़ ऑल्सो अ मैथड ऑफ़ प्रजर्वेशन ड्राई किया गया अगर ऐसे ही रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा आप मैंगो को भी ओपन में रखेंगे तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा तो उसको ड्राई किया गया वाई डिड अपा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइट मैंगोज़ टू यूज़ फॉर मेकिंग द ममीदी तंद्रा बिकॉज राइप मैंगोज मोस्ट राइप मैंगोज हैव द मोस्ट जूस सबसे ज़्यादा जूस जो होता है सबसे ज़्यादा पके हुए मैंगोज में होता है रॉ मैंगोज में जूस नहीं होता पके मैंगोज़ ही जूसी होते हैं हाउट डिट द ब्रदर्स मेक्स द मम्मी दी तंद्रा राइट डाउन स्टेप बाई स्टेप वट डेड वट देड फॉदर्स दोनों भाइयों ने किस तरह से मम्मी दी तंद्रा बनाया तो स्टेप बाय स्टेप हमने रेसिपी उसकी लिखनी है ये हम एक्टिविटी कर लेंगे बाद में वट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज अब घरों में जो है राइट मैंगो से अनराइट मैंगो से क्या क्या चीज़ें और बनाई जा सकती हैं अनराइट मैंगो से वी कैन मेक पिकल मैंगो चटनी आम पन्ना गर्मियों में पीते हैं ना आम पन्ना एंड विद राइप मैंगोज वी कैन मेक आम पापड़ मैंगो जैम मैंगो जूस मैंगो शेक बनाते हैं ना सर गर्मी में तो ये चीज़ें हम बना सकते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट ये आपको खुद से करना है कि जितनी तरह के अचार आपने देखे हैं जिनके बारे में आप जानते हो आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे नॉट ओनली द मैंगो पिकल्स ऑल टाइप ऑफ मैंग पिकल्स किसी भी तरह का पिकल होगा फाइंड आउट एंड डिस्कस इज देअर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस आपके घर में अचार बनता है किसी तरह का वट काइंड ऑफ पिकल इज दिट किस तरह का है वो हु मेक्स इट कौन बनाता है फ्रॉम होम डिड द लर्न टू मेक द पिकल और जो भी बनाता है उसने ये कहाँ से बनाना सीखा ये आप अपनी कॉपी में करेंगे खुद के एक्सपीरियंस से पूछ के घर में वट ऑल थिंग्स आर नीडीड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस किसी तरह का अचार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हाउ इज़ द पिकल मेड बनता कैसे है फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट आपको आपके घर में जो भी अचार बनता है और उसको जो भी बनाता है आप उससे पूछेंगे और उसकी रेसिपी को लिखेंगे हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस पापड़ चटनी बढ़िया पापड़ चटनी बढ़िया ये किस तरह से बनती है आपके घर में वो भी एक प्रोसेस एक रेसिपी फॉर्म में लिखना है इट इज़ अ टू डे जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता पुणे से कोलकाता की दो दिन की ट्रेन की जर्नी है इफ़ यू वट टू गो ऑन दिस ट्रिप वट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद यू अगर आपको इस ट्रिप पे जाना पड़े तो कौन कौन से फ़ूड आइटम्स आप अपने साथ लेकर जाएंगे हाउ वुड यू पैक दम किस तरह से पैक करेंगे मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड वट फूड वुड यू ईट फर्स्ट अगर मुझे जाना पड़ा इस ट्रिप पे, तो मैं अपने साथ एल कैरी बिस्किट्स चिप्स ड्राई स्वीट्स ड्राई फ्रूट्स एंड माई ऑल टाइम फेवरेट पूरी सब्जी ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं हम इनको अपने साथ कैरी कर सकते हैं अब क्वेश्चन आता है वट फूड वुड यू ईट फर्स्ट कौन सा खाना आप सबसे पहले खाएंगे तो जाहिर है कि सबसे पहले हम वही खाना खाएंगे जो जल्दी ख़राब हो जाएगा उसको पहले खा के हम खत्म करेंगे सो आई विल ईट पूरी सब्जी फर्स्ट वट वी हैव लर्न ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विथ पिकल्स जब भी अचार बनता है और जिन बॉटल्स में या जार्स में वो अचार भरा जाता है तो उसको हम पहले साफ़ कर लेंगे धो लेंगे और धूप में सुखा लेंगे वाई इज़ दिस डन ऐसा क्यों किया गया ड्यू यू रिमेंबर वॉट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट आपने देखा हमने जो ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या हुआ फंगस लग गया अगर उसमें मॉइस्चर रह गया तो हम पूरा मॉइस्चर ग्लास चार्स में और बॉटल में से निकाल देंगे उसके बाद ही हम उसमें पिकल को फिल करेंगे टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल आम पापड़ चटनी चिक्की इट्स ए ट्रक लिस्ट सम अदर फूड विद विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन इन्जॉय इट थ्रू आउट द ईर्स जैसा कि अगर हमें पूरे साल आम खाने हैं तो हम आम से अचार आम पापड़ चटनी चिक्की वगैरह बना सकते हैं तो ऐसे ही बाकी के फूड आइटम्स की हमें एक लिस्ट बनानी है तो उनको हम किस किस तरह से स्टोर कर करके रख सकते हैं और पूरे साल उनका मज़ा ले सकते हैं उसको खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं स्टूडेंट्स आप घर में पूछेंगे और लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन में ये मैं आपसे शेयर भी करूँगी सो स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट द प्रजर्वेशन ऑफ राइप मैंगोज थ्रू द रेसिपी ऑफ ममिदी तंद्रा और यू कैन से आम पापड़ You can write more simple recipes from your mother, elder sister, or grandma and write them. Let's meet in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.